Assalamu alaikum everyone, this is Mahira Khan. I support Pakistani dramas, so please subscribe to Drama Central. And of course, subscribe to Rewind with Samina Pirzada. ये सब कुछ जानने के बावजूद आप अब भी तंजीला से शादी करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, तंजीला से शादी करने के बावजूद आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका दिल अब भी आतिर के लिए धड़कता है। पहले तुमने मुझे ये शादी करने के लिए मजबूर किया और उसके बाद तुमने मेरे साथ आकर झूठ बोला कि तंदीला मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तुम ये चाहती थी कि ये शादी हो ही ना, है ना? और अब तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं इरादा बदल रहा हूं। तुम क्या चाहती हो तुम मुझे बताओ। तुम मेरी नीयत पर शक कर रहे हो। अगर मेरे दिल में खोट होता तो मैं तुम्हारा तंजीला के साथ रिश्ता तय ही क्यों करवाती। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी ये बातें सुनकर। खैर आनिया, इस बात को छोड़ो, मुझे एक बात तो बताओ, सर्वर को जानती हो तुम? सर्वर कौन है? अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये सर्वर कौन है, बताओ मुझे कौन है सर्वर। तुम सर्वर को कैसे जानते हो? सुबह मेरे घर आया था और उसने मुझे कुछ बातें बताई हैं। अगर आनिया सच में ऐसा है तो तुम्हें बता, मैं तंजीला से शादी कैसे कर सकता हूं? एक ऐसी लड़की जो शादी के बाद मेरे बारे में नहीं अपने पहले शोहर के बारे में सोचती रहे, अपनी पहली मोहब्बत के बारे में सोचती रहे, जो हर लम्हा मेरी बजाय किसी और को तलाश करती रहे, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। मैं खुद को हमेशा के लिए धोखे में नहीं रखना चाहता आलिया। सिशांत, तुम ऐसा सोच रहे हो मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम ये सब इसलिए बोल रहे हो क्योंकि उस घटिया शख्स सर्वर ने तुम्हें सारी बातें बोली है। वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी बात का यकीन करो। सीशान, तंजीला ने सारी जिंदगी दुख उठाए, खुद पद में बिन मां बाप के साए उसने जिंदगी गुजारी है। और मुझे लगता है कि अगर तुम तंजीला से शादी करोगे तो उसे वो सारी खुशियां मिल जाएंगी जो उसे आखिर से शादी के बाद नहीं मिली। बस एक बार तुम तंजीला से शादी कर लो, फिर मेरा मानना है कि तुम्हारी मोहब्बत में वो सब कुछ भूल जाएगी। आतिर की यादें, आतिर की मोहब्बत
सब कुछ अपने दिल से निकाल देगी। तुम ठीक कह रही हो आनिया, मैं तो वो उस शख्स की बातों की वजह से अपसेट ही हो गया था। देखो आनिया, मैं बहुत कम वक्त में तंजीला को सच्चे दिल से चाहने लगा हूं, और मैं तंजीला की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और वो आंसू अगर मेरी वजह से आए तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं तंजीला से मिलकर सब कुछ क्लियर करना चाहता था। खैर, अब चलता हूं, अल्लाह हाफिज। क्या बात है आतिर, तुम ठीक तो हो? कैसे ठीक हो सकता हूं? जब मेरे हाथ से मेरा सब कुछ छूट रहा, कैसे ठीक हो सकता हूं? क्या मतलब, ठीक से बताओ क्या हुआ? आज तंजीला का निकाह है। क्या, तंजीला भाभी का निकाह, और तुम यहां ऑफिस में बैठे हुए हो? तो और क्या करूं, उसे वहां दुल्हन के रूप में किसी और का बनता हुआ देखूं? नहीं, मेरे मन में ये नहीं कर सकते। पागल मत बनो, तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? तुम जाओ, रोको ये सब। मैंने तो सारी कोशिशें करके देख ली, लेकिन किसी और मामले को तैयार ही नहीं। उस्मान, मैंने तो फैसला भी कर लिया था, मैं तो उसका हाथ पकड़कर ले गया था उसे निकाह करने के लिए, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। वो नहीं मानी, और ये कहा कि वो जीशान से खुद शादी करना चाहती है अपनी मर्जी से, जबकि मैं जानता हूं वो आनिया भी कहने पर कर दी। जानते हो तो जाकर बात करो, रोको ये सब। किस किस से बात करूं सुभान, किस किस से? आते चलो मेरे साथ। आते चलो, यही वक्त है, चलो। आज भाई की शादी हो जाएगी और उनकी बीवी आधी जायदाद की मालिक बन जाएगी, सिर्फ चंद दिन के लिए। ऐसा तो आप सोच रही है ना, अगर इस बार चाल उल्टी पड़ी तो? ऐसा नहीं होगा, वो अपनी पहली बीवी की मौत को एक हादसा समझता है, और हादसे बार बार भी हो सकते हैं। लेकिन अगर इस बार हादसा हमारे साथ हो गया तो हमें पहले कत्ल का भी एतराफ करना पड़ जाएगा मामा। कम ऑन, हमेशा नेगेटिव सोचती हो। ऐसा सोचो कि सब कुछ हमारे हक में होगा, और बहुत जल्द होगा। मुझे माफ कर दे आतिर, अगर मैं क्या करूं? हालात ने मुझे कितना मजबूर कर दिया है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते।
मेरे लिए कदम उठाना इतना आसान नहीं। अरे देखें तो जरा हमारी दुल्हन कैसी लग रही है। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। जिशान तुम्हें देखेगा ना तो पागल ही हो जाएगा। तुम बस यहीं ठहरो, मैं थोड़ी देर में तुम्हें लेने के लिए आ रही हूं। प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। मैंने कहा था ना हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। क्योंकि हम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए। सिर्फ एक दूसरे के लिए। देखो मैं आ गया, तुम्हारा दिल, सिर्फ तुम्हारा। एक मिनट मौलवी साहब। उस्मान तुम यहां क्या कर? आतिर उस्मान यहां क्या कर रहे? दूल्हे के बिना ये निकाह कैसे हो सकता है आनिया भाभी? आनिया क्या ये सब? मैं बताता हूं। आप ये क्या कर रहे हैं? लोग देख रहे हैं, बातें बना रहे हैं। मुझे आज किसी की परवाह नहीं। अगर परवाह है तो सिर्फ अपनी मोहब्बत की। शान साहब आई एम रियली सॉरी लेकिन ये शादी नहीं हो सकती। बड़ी मेहरबानी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप तशरीफ ले जाए। मगर क्यों आते हैं? क्योंकि तंजीला आपसे शादी नहीं करना चाहती।
वो ये शादी कर रही है तो आनिया की जिंदगी के लिए, उसकी खुशी के लिए। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आनिया से शादी की थी। आनिया की खुशी के लिए, उसकी जिंदगी के लिए। लेकिन जीशान साहब, ऐसी शादी किसी को खुशी नहीं देती। इस शादी से ना आपको खुशी मिलेगी, ना मुझे, ना आनिया को, और ना ही तंजीला। आतेरी आप क्या कह रहे? कह लेने दो आनिया, कह लेने दो मुझे। कहीं बहुत देर ना हो जाए। आनिया, मैंने तुमसे शादी की तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी खुशी की खातिर। तुम जाते जाते मुझसे मेरी जिंदगी छीन लेना चाहती हो। आतिर, खुदा के लिए चुप कर जाए। बस तंजीला, बस। हम एक और लड़ते हैं। तंजीला, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हो और मैं सिर्फ तुम्हारे। बस खुदा ने हमें एक बार फिर दोबारा एक होने का मौका दिया। तुम्हें क्यों नहीं नजर आता, तुम्हें क्यों नहीं समझ आता